Hello dear students, so this is test number 1 of EDC. We will be solving this test, okay. So, anti semiconductor 0.1 cm long, 100 micrometer square cross section area has a majority carrier this much and the carrier mobility is this much. Then the resistance of the bar. So resistance of the bar is rho L upon A. Rho is resistivity, so 1 upon conductivity kar dete hai. So this is equal to 1 upon conductivity, 1 upon Q ND into mobility, the doping into mobility, L upon A. Simple question, just put the values and get the answer. Length is given 0.1 cm. Just convert all the सबको centimeter में convert कर लो, ठीक है ना? नहीं तो दिक्कत हो जाए. Q is 1.6 × 10⁻¹⁹. अच्छा मीटर में देखा तो ऊपर वाला मीटर में कर लेते हैं, बेटर है ना. मोबिलिटी भी मीटर में, ये भी मीटर में. 5 × 10⁻²⁰ ऊपर वाला मीटर में कर लेते हैं, ठीक है? तो एक सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.01 मीटर हो गया. और इसके बाद 0.13 ये हो गया. मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर. माइक्रोमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻¹² मीटर ना, माइक्रो मतलब −12 मीटर स्क्वायर. तो सॉल्व करोगे तो सिंपल है, 961.5 मतलब सी आ रहा है आंसर. चेक कर लो एक बारी, सी आ रहा है 961.5. सीधे वैल्यूज पुट करनी, 961.5 किलो करके आ रहा है. दूसरा देखते हैं. इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डोप्ड विद एनआई एंड आर द इंट्रिंसिक रेस्पेक्टिवली व्हेन डोप्ड विद पी टाइप मटेरियल देन चेंजेस टू देम. ये तो मास एक्शन लॉ है ना. NP equals to NI into PI square. PI that is NP equals to NI square करके आता है mass action law है, DS का. चलिए, two identical material sample A and B of the pure germanium are doped with donors. Okay, donors से dope किया हुआ. If the whole concentration in A is this, then the whole concentration in B. सिंपल है, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए ना. 10⁻¹⁰ × 9 × 10⁻¹² = 3 × 10⁻²⁰ आंसर, ठीक है ना. हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ द शुड बी सेम बिकॉज दे आर ऑफ जर्मेनियम, राइट? तो दिस शुड बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर. तो ठीक है, आंसर यहां से निकल जाएगा. मिठा तो 3 × 10⁻¹² आ जाएगा, ए आ जाएगा. ठीक है, 3 × 10⁻¹² यहां से आपको दिख रहा है. आंसर इज इक्वल टू 4th. The silicon contained 5 × 10⁻²⁸ atoms per cubic meter. It is doped 2 parts per million. 2 parts per million. So, सबसे पहले तो आप देखिए 1 million कितना होता है, 1 million. 1 million is 10 lakhs. ठीक है, 10 लाख होता है. तो 1 लाख कितना होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. तो ये हो गया, मतलब इसमें 6 जीरो होते हैं 1 million में. तो दो डोपिंग होगी, मतलब दो डोपेंट्स होंगे पर 10⁻⁶ एटम्स. ठीक है ना, अब कितने एटम्स हैं? 5 × 10⁻²⁸ एटम्स हैं. तो ऐसे कर लो, सिंपल है, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा.
डोपेंट्स कितने में? 10^6 एटम्स में, ठीक है। और अगर हमें, तो सिमिलरली अगर हमें 5 × 10^28 एटम्स में निकालना है तो क्या करेंगे? 2/10^6 इंटू 5 × 10^28, तो 10 × 2 parts per million of arsenic. सही तो है यार, ये काट दीजिए, 10^23 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10^23 per m³ बी हो जाएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी दे रखा है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, फाइंड द मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर विद रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो कंडक्टिविटी जो हो गई वो हो गई 0.1, दैट इज क्यू इंटू पी टाइप की डोपिंग एन पी या एन ए बोल दीजिए इंटू मोबिलिटी म्यू पी, ये सेंटीमीटर में है सब कुछ, ठीक है ना। चलिए, तो कितना देखा, 0.1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10^-19 मल्टीप्लाइड बाय म्यू पी, म्यू पी कितना भैया 480, ये 1.30 समथिंग आ रहा है, 1.30 इंटू 10^15 ये आ रहा है एनए, और हमारा ये मेजोरिटी कैरियर हो गया। माइनॉरिटी कैसे निकालेंगे, एनआई स्क्वायर बाय एनए कर देंगे, एन आई दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 × 10^10। ये तो बहुत छोटा आ गया, 1.73 × 10^5, 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 ए लग रहा है क्या, ए आंसर। If the semiconductor is observed that 3/4 of the current is carried by the electrons and 1/4 by this thing, if the drift velocity, drift speed is 2 times, okay. देखिए, जो भी ड्रिफ्ट करंट होता है वो होता है, अगर हम करंट की बात करें तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बढ़िया है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू क्यू, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो भैया वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब जे एन इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द टोटल जे, जे पी इज 1/4 ऑफ द टोटल जे, वी कैन से जे एन इज इक्वल टू 3 times ऑफ जे पी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 3 times ऑफ जेपी हो गया। अब यहां पे वो कह रहा है कि भाई ये होगा कॉन्सेंट्रेशन इंटू वेलोसिटी इंटू क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 times कॉन्सेंट्रेशन, क्यू से क्यू कट गया, वेलोसिटी हमें दे रखी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 2 times दैट ऑफ होल्स, तो वी एन इज इक्वल टू 2 times कॉन्सेंट्रेशन एन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एन इज इक्वल टू 3 times कॉन्सेंट्रेशन एन इंटू वेलोसिटी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पी इंटू वेलोसिटी पी। नाउ दिस इज 2 times वी पी, राइट, तो यहाँ पे हम 2 times वी पी भी रख सकते हैं, वीपी से वीपी काट देते हैं, क्या चाहिए अपने को, इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो कॉन्सेंट्रेशन एन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन पी इज इक्वल टू 3/2,
ठीक है, तो ये अपना हो गया 1.5 ए आंसर। सेवन, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो हमें दे रखा है एट 300 केल्विन वो है एन आई इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट द एन आई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टी टू पावर 3/2 ई टू पावर माइनस ई जी अपॉन के टी बाई टू के टी और 2 kT, ओके। नाउ सिंस यहाँ पे अपने को EG का वेरिएशन नहीं दे रखा टेम्परेचर में, तो हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे एनालिसिस में, ठीक है ना। तो अपन को बस ये करना है कि भाई NI जो है NI1 upon NI2 is equals to T1 3 to power 3/2 e to power minus EG upon 2 kT1 2 kT2। ओके नाउ तो यहां पे क्या करेंगे अपन, ये दे रखा है अपने को 1.5 इंटू 10 टू पावर 10, ये दे रखा है अपने को 300, ठीक है ना। यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा है तो ये आ गया 300, हमें चाहिए T2 जो है वो 400 है की पावर 3/2 ई टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT1, मतलब 2 kT1 तो वो आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाता हूं फिर, ई जी तो सेम ही है ना, ई टू पावर प्लस, एक सेकेंड उल्टा करता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देता है, तो एन आई टू किसके बराबर हो जाएगा एन आई वन मल्टीप्लाइड बाय टी टू 3/2 अपॉन T1 3/2, इसको ऊपर ले जाते हैं, टू के टी टू अपॉन 2 kT2 upon, चलिए अपुट कर लेते हैं सीधा सीधा वैल्यूज, ठीक है अपने को सब कुछ पता ही है। पहले तो ये वाला सॉल्व 1.5 × 10 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा T2 upon T1, T2 कितना है 400, ये क्या है 4/3 की पावर 3/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1.5 × 10 यहाँ पे 4/3 की पावर 3/2 डाल दिया तो आ गया 2.309 × 10^10। और यहां पे अगर हम पुट कर दें वैल्यूज तो जाएगा ई टू पावर माइनस ई जी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 kT2 माइनस 1/2 kT1, ऐसा कर सकते हो। सो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ई टू पावर माइनस ई जी कितना है 1.12 1/2 के भी बाहर लिख सकते हैं, सो ई टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2 के 1/T2 माइनस 1/T1, T2 कितना है 400
बढ़िया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.18 इंटू 10 टू पावर 12। ठीक है, अपना आंसर सी बन गया। चलिए अगला सवाल, 8th। Can you find the conductivity of the n-type silicon with the Nd equals to this? Assume 50% of the donors are ionized. याद है ionized का जो हम करते थे? Nu n दे रखा है mobility, mobility इसका दे रखा है mu n silicon, germanium करना क्या है? Conductivity निकालनी है. Find the conductivity. So, क्या करूं, सिंपल तो क्वेश्चन है, क्या है दिक्कत, क्या है इसमें? एनडी, एनडी के सिर्फ हाफ हुए आयनाइज, तो एनडी बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन डी, मोबिलिटी मोबिलिटी म्यू एन वाली आ जाएगी। आठ आ जाएगा आंसर, आठ क्वेश्चन का आठ आंसर, गुड है। नाइन्थ, द एन टाइप इज प्रेफर्ड, मोबिलिटी ज्यादा रहती ना उसकी, फॉर द सेम डोपिंग एन टाइप गिव मोर करंट देन पी, बढ़िया है, डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे सही है, चलिए आगे। द मेजोरिटी कैरियर्स इन द एन टाइप have the drift velocity v in the direction perpendicular to this, the electric field induced due to Hall effect is in the direction. Now we know that, आपको याद है मैंने कैसे पढ़ाया था, Q cross E और Q V cross B दोनों का जो दोनों बराबर हो जाने चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, Q cross E और क्यू वी क्रॉस बी, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसे वो एक दूसरे को वो कर पाए, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा तभी तो वो एक दूसरे को अपोज कर पाएंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में वी क्रॉस बी होती है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर वैसे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस प्लेट पर जो बी क्रॉस बी आ रहा है वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सामने वाली प्लेट पे आके इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब जो बी क्रॉस बी की वजह से फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, चार्जेस पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, लेकिन उसका जो फोर्स आएगा वो अपोजिट आएगा, उसका जो फोर्स आएगा वो अपोजिट आएगा, तो इसका मतलब Q क्रॉस E एंड Q V क्रॉस B इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, एंड एट द स्टेडी स्टेट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड्स, तो वैसे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए एक तरीके से, अगर हम पूरी तरह देख रहे हैं तो Q से Q कट जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन बोथ हो जाएगा, ठीक है ना, the extrinsic, in the extrinsic if the resistivity decreases, temperature increases, photoconductivity is low, resistivity decreases, ये क्या बात हुई,
रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई होगी। सो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई होगी, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज। तो ए का तो दोनों पॉसिबल है, 5 और 4। टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्सट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस तो इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। फोटो कंडक्टिविटी इज लो, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। फोटो कंडक्टिविटी अगर लो है तो सी वाले का तो 3 होगा, मतलब बैंड गैप हाई है। इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसका बैंड गैप बहुत बड़ा है। तो फोटो कंडक्टिविटी इज लो, इसका मतलब सी का तो 3 हो गया। अब सी का 3 दो जगह है, अब बी का ढूंढना है। बी का क्या है, 4 या 3, मतलब 5 4 3 और 5 2 3 चल रहा है, 5 4 3 और 5 2 3। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द रिड्यूस, रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सो बी का 4 हो जाएगा, अगर हम मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बी का 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है कि अगर हम देखें एक्सट्रिंसिक में भी, अगर हम कंडक्टिविटी का प्लॉट बनाए तो कंडक्टिविटी का प्लॉट ऐसे बनता है, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है, इस तरीके से होता है कंडक्टिविटी का प्लॉट। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हो सकता है इस फेज का ले रहा हूं और फिर उसी स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अब बी का 2 तो हो नहीं सकता, लेंथ ऑफ द सेमी कंडक्टर इज रिड्यूस, रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव, ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला मोड या ये वाला रीजन ले लीजिए, तो इन दोनों केस में कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो 5 4 3 ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द करंट प्रोड्यूस इन जर्मेनियम सैंपल ऑफ द एरिया दिस मच, the current produced in the germanium sample of the area this much, length this much, when potential difference this much is applied across this, electric field hai, mobility hai, kya karna, conductivity nikal jayegi, क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। और हमारी रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, एल बाई सिग्मा ए हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अप्लाइड कितना, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 2/R। चलो करो खत्म करो, 2/L, 2/L कितना है, 0.3 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कर दो, 0.03 सेंटीमीटर इंटू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, क्यू इंटू एन आई, एन आई कितना है, 19, एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी, अरे कहीं मीटर देता है कहीं सेंटीमीटर देता है, क्या चक्कर है इसका, सब कुछ मीटर में कर लेता हूँ, 2/0.3 मिलीमीटर ना, 0.3 × 10⁻³ × 1.3 × 10⁻¹⁹ NI 0.35, 0.17। ये भी आप एरिया निकाल लो, ए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर² तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होता है, मतलब मीटर होते हैं, तो 0.01² कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे बी आ रहा है आंसर, तो
ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, आंसर हो जाएगा एम्पियर करंट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। 14th, इन द सेमीकंडक्टर सैंपल द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी आर दिस एंड दिस, द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर दिस इज दिस, द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल, इसमें है ही क्या। dn अपॉन म्यू एन इक्वल्स टू dp अपॉन म्यू पी, करता मोबिलिटी दे रखी है अपने को म्यू एन म्यू पी, डिफ्यूजन कांस्टेंट दे रखा है 3.75, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय म्यू एन 0.16, 1.5 × 10⁻³ आ रहा है, 5.5 ही आ रहा है। यूनिट रखिएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर बार ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 2 माइक्रोमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कोई टेंशन थोड़ी ना है इसमें, सिंपल सी बात है। यहां पे आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, और सब जगह सेम ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अप्लाई डिवाइड बाय लेंथ, फोर इंटू 10⁶, अरे 2/2 करना है यार, क्या कर दिया, 1 × 10⁶, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाई डिवाइड बाय लेंथ, द पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल हायर देन द सेंटर ऑफ द बैंड गैप, राइट, सी होगा। सेवेंटीन हुआ क्या, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अरे भाई सवाल तो दिखा दे। चलो अज्यूमिंग दैट द फर्मी लेवल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ईएफ, ईएफ में बी डिफाइंड एज द लेवल विल ऑक्यूपाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% बी हो गया ना आंसर 18। द इफेक्ट ऑफ डोपिंग इन द इंट्रिंसिक इज टू move away from the center of the forbidden magnet, move towards the chase the AS cancer, क्या टेंशन है। 19, Fermi level is closer to the conduction band in n-type, सही है, is not used for the intrinsic, Fermi level in the tunnel diode is inside the conduction band, ये भी गलत है, तो third statement गलत है। कमेंट्स ऑन 50%, हाँ ये ठीक है, 1 और 4 सही है ना। वन और फोर सही है, लेकिन ये पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो 2 और 3 आर रॉन्ग। चलिए बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन जो है
इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्या है? यस, सो क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन में, डोनर कॉन्सेंट्रेशन में दे रखा है एनडी। अब ये कोइंसाइड तभी करेगा फर्मी लेवल इससे, ईसी से, एज ऑफ कंडक्शन बैंड से तभी कोइंसाइड करेगा जब एनडी और एनसी बराबर होंगे। याद है एनसी क्या होता था? एनसी इज द अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। ओके, अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। अब इसका फॉर्मूला आप देखो रिकॉल कर सकते हो, इफ यू वांट टू, मतलब याद कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो। लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका सवाल आएगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है, हो सकता है कभी कुछ सवाल पूछ ले, तो अपने को थोड़ा आइडिया रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। एनसी का जो फॉर्मूला था वो था 2 पाई एम एन स्टार के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पे अपने को ना एच की वैल्यू तो एटलीस्ट देनी चाहिए। चलो आई विल एड द टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना। एच मतलब हमारा जो प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू और अपने के की वैल्यू, ये दो वैल्यू तो अपने को मतलब होनी चाहिए, पता होनी चाहिए थी। ओके, सो इट इज 6.62 एच की वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा इसमें, इंटू 10^-34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड। और हमारा जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वह 1.38 × 10^-23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। ठीक है, अब इसको यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखें जिससे ये आ जाए, बस यही करना है। और इसने जो मास बोला है, मास जो है वो n के बराबर है। याद है मास क्या होता है इसका? 9.1 × 10^-31 होता है ना किलोग्राम। और याद रखिए सर मीटर में चल रहा है मामला यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 पाई इंटू पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। इंटू 9.1 × 10^-31 मल्टीप्लाइड बाई के 1.38 × 10^-23 डिवाइड बाई 6.62 × 10^-34 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अंदर का पूरा टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे ये मिल रहा है 2 × 1.8 × 10^14 × t³/2। तो ये फॉर सवाल भी इसीलिए दे रहा है जिससे आपको ये याद हो जाए, ठीक है। चलो तो बस अब कर दो पुट, क्या दिक्कत है। 2.3 × 10^19 डिवाइडेड बाय 2 तो बहुत छोटा आ गया, अच्छा ये मीटर में, ओ माय गॉड, ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में होगा, पर मीटर क्यूब में ना, तो इसको पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको मीटर में कर लेते हैं। 2.16 × 10^2 ये कितना आ जाएगा 19 पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे
तो 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जरा वो बस और ज्योर कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे तो ये आएगा 4761 इज इक्वल टू, T^3/2 परफेक्ट है, 283 आ जाएगा अगर आप T की वैल्यू निकालोगे तो 10 डिग्री केल्विन। ठीक है, 283 आ रहा है, 283 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 283 आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसका आंसर थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं, मतलब इसका आंसर बी होगा, जो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडिटिंग कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये थोड़ी वैल्यूज मैं यहाँ पुट भी कर दूंगा, तो ये भी करना पड़ेगा, एस की वैल्यू, के की वैल्यू, ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन में देगा, ऐसा अगर नहीं हो सकता, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला एक बार थोड़ा याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, 20 तक तो हमने कर लिया, ये 21 है। ट्वेंटी तो कर लिया ना, 21 है ये वाला, पॉइंट टू फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एज, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एज, द डेंसिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इन द कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर, द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। अच्छा, तो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो एनडी या डोपिंग कितनी होती है, NCe2 पावर EF-EC/kT। तो बस ये अपने को दे रखा -0.25, ये वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेटर में डालो, पुट करो, खत्म करो, आंसर सामने। इट इज 1.51 × 10^21, 1.6 × 10^21 पर मीटर क्यूब। बी नेक्स्ट 22, अच्छा ये यूनिट बतानी, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, करेक्ट वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ, चलो डी का देख लो, प्रोडक्ट ऑफ ये तो करीब करीब बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना, बी के बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए डी तो, ठीक है ना। टी जो है 3 के बराबर होना चाहिए, तो 4213 या फिर 2453 ऐसे होना चाहिए, देखते हैं क्या बनता है। पहले वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो 4 होगा या 2 होगा, अच्छा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, और तीसरा क्या है, डिफ्यूजन लेंथ। अब डिफ्यूजन लेंथ जो है वो 1 के बराबर तो नहीं हो सकती, 5 के बराबर ही होगी, ठीक है ना।
इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2453 है ना, 2453 ठीक है, सी बनेगा इसका आंसर ना, सी बनेगा। चलो नेक्स्ट, द सेमीकंडक्टर फिजिकल प्रोसेस सेलेक्ट दिस थिंग, कैरियर मोबिलिटी स्केटरिंग, अच्छा इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन 23, आयन इम्प्लांटेशन, कैरियर मोबिलिटी इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन स्केटरिंग, तो कैरियर बी तो सी से रिलेट होगा ना, बी तो स्केटरिंग से रिलेट होगा, जो थ्री से सॉरी बी तो थ्री से रिलेट होगा ना, तो बी पे तीन आना चाहिए, तो मतलब 4321 या फिर 4312 होगा, तो मतलब पहले का तो चौथा हो ही गया, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन तो आयन इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब आयन इम्प्लांटेशन इज अ मेथड जिससे इम्प्योरिटी डाल देते हैं अंदर, ठीक है ना। तो इसमें दिखा रहे हैं क्या दिखता क्या है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसके बोर्ड। चलिए ठीक है, तो अपना ये बनेगा 4321 या 4312। अब ये बचा है अपना बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और रिकॉम्बिनेशन, इन दो का चक्कर है बस, किससे रिलेट होगा, कैरियर लाइफ टाइम रिकॉम्बिनेशन से रिलेट हो जाएगा और क्या, सी जो है वन से रिलेट हो जाएगा, 4212 हो जाएगा और क्या। ठीक है, 4312 जो सी होगा वो रिकॉम्बिनेशन, कैरियर लाइफ टाइम रिकॉम्बिनेशन से रिलेट होगा ना, 4312 डी होगा इसका आंसर, 33, 34। VH हमें दे रखा है हॉल वोल्टेज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ VH निकालना है, ठीक है, डोपिंग दे रखी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डी वाई दे रखा है, ये सब दे रखा है, क्या निकालना मेरे को, अच्छा वी एच निकालना। देखिए वैसे आपको पता होगा कि देखिए हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वो जो एच वाला होता है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी क्रॉस बी, डायरेक्शन तो नहीं चाहिए, क्यू से क्यू काटा, ई एच जो होगा हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेलोसिटी इनटू बी, वेलोसिटी क्रॉस बी, अपने को मोबिलिटी दे रखी है, वो दे रखी है, डोपिंग दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है, वोल्टेज अप्लाइड दे रखी है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, निकालते हैं। सो वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होती है, करंट के बराबर होती है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज कॉन्सेंट्रेशन या डोपिंग, ओके। नाउ बी हमने देखा ई एच इज इक्वल टू करंट कॉन्सेंट्रेशन क्यू क्रॉस डोपिंग,
इनटू बी. अब करंट को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, नहीं वेलोसिटी के टर्म्स में तो लिखा ही. अच्छा करंट निकालना है हमें. करंट होता क्या है, नहीं वेलोसिटी डायरेक्टली म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना. अरे यार क्या कर रहा हूँ, मोबिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और बी दे रखा है, ई एच आ जाएगा. हो गया ये तो, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बी. म्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये आ जाएगा. बी भी दे रखा है, हो जाएगा ई एच आ जाएगा. अब अपने को अगर हम देखें तो जो मूवमेंट है वो एक्स में है. अगर आप देखो तो जो वेलोसिटी है वो एक्स में है, ये जेड में है. तो ई एच जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में. तो वाई का देखो क्या है, डी वाई मिल रहा है. तो वी एच इज इक्वल टू डी वाई इंटू म्यू ई इंटू बी. करो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 10 टू माइनस 3, मोबिलिटी कितनी है 0.38 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 700, बी कितना है 0.5, 0.532 आ रहा है, 0.532, देयर इज 532 मिलीवोल्ट डी. ठीक है चलिए आगे, 34, 35. मेजोरिटी मैग्नेट कन्वर्टर इंट्रिंसिक इनटू सेमीकंडक्टर. अच्छा एन टाइप चाहिए ना, तो 10 ओम रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई 0.1 हो गई. 0.1 इक्वल्स टू क्यू इंटू एन डी इंटू म्यू एन. तो यहां से एन डी आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 1.19 इंटू म्यू एन 1350. सब कुछ सेंटीमीटर में, तो कोई टेंशन नहीं. ये आ गया, और इसमें अगर हम एन आई दे रखा है इसने, तो अब ये एन डी आ गया हमारे पास. माइनॉरिटी कैरियर निकालना है तो पी, पी अगर निकालना है तो एन आई स्क्वायर बाय एन डी. एक दो तीन चार पांच, 4.85 इंटू 10 टू 5 बी, नहीं ये 14 है और 5 सी है इसका आंसर. ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 4.85 या 86 इंटू 10 टू पावर 5. ठीक है आएगा, तो ये होल कॉन्सेंट्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, सी आ जाएगा आंसर. ठीक है चलिए बच्चों आगे चलते हैं. ये एक्चुअली क्या थोड़ी नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, ये 25 है 35 नहीं है, नंबरिंग होगी गड़बड़ थोड़ी ना, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा नंबर सवाल चल रहा है. ये 25 है, ये 24 है, 23 है, 22, 23, 24, 25, 26, EF माइनस EC कितना हो जाएगा, KT 0.026 ln of ND upon NC, ND कितना है 0.257 बिलो. सो EF जो है वो दिस मच बिलो EC, EF लाइज EV दिस मच बिलो EC. ओके तो C हो जाएगा ना 27. अरे यार क्या है,
26, 27. As per the Hall effect, if any specimen carries a current I placed in this much, B, then the electric field induced is parallel to current, नहीं, perpendicular to current होगा. B, perpendicular to both. Which of the following the unit of mobility? 28. देखो मोबिलिटी क्या होता है. मोबिलिटी वेलोसिटी इक्वल्स टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है मीटर पर सेकंड. मोबिलिटी तो पता नहीं, वोल्ट पर मीटर ही होता है. इसको ऊपर ले जाओ. सो मोबिलिटी जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. सी हो जाएगा इसका आंसर. The relationship between mobility and conductivity. Mobility and conductivity. अच्छा तो देखो आपको याद है ये क्या होता था. 1/Q × doping into concentration होता है 1/Q. वो आपको याद है कंडक्टिविटी. देखो इसने क्या सिंबल चेंज कर दिया तो घबराना मत. पहले कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Q(d)×mobility. So mobility is equals to mu upon Q and D. So mobility equals to conductivity into RH. B बन जाएगा आंसर. मोबिलिटी, ये मोबिलिटी है ना और ये कंडक्टिविटी है. इसने सिंबल चेंज कर दिए हैं. ठीक तो लिखा है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो आगे समझ टेस्ट हो जाएगा. बी एस का आंसर. ठीक है चेंज कर दूंगा. अरे यार पिछले बार सॉल्व गड़बड़ कर दिया मैंने. चलिए आगे चलते हैं. 29 के बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30. All effect is true. 30. क्या पूछ रहा है ये? In the Hall effect, which of the following is true? Magnetic field, electric field are induced. Magnetic field induced if applied. C होगा. Magnetic field applied, electric field induced. 31. Determine the percentage of silicon at that contributes a conduction electron hole. Assuming that the covalent bonded semiconductor contributes approximately one electron hole pair per atom. Simple ये तो कितना है 1.48 × 10^10 electron hole pair है. atoms per cubic centimeter.
कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब कितने परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज, तो रेशियो निकाल लो इसमें है क्या, 1.48 इंटू 10 टू पावर 10 डिवाइड बाय 4.99 इंटू 10 टू पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2.96 इंटू 10 टू पावर 0.297 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 परसेंट एम, सिंपल ही था इनको 31, 32. चलिए फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू फॉर्म द कंडक्शन करंट फॉर द कॉपर स्पेसिमेन गिवन डेंसिटी इज दिस मच एटॉमिक वेट दिस मच ग्राम पर मोल एविगैड्रो नंबर. ओके बहुत सिंपल है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में चाहिए एक आंसर ना अपने को. सो इट इज लाइक डेंसिटी इज 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. देखो क्या मुझे भी पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अपने को पाव हुआ इतना टाइम हो गया, लेकिन क्या है कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है जहां पे हमें यूनिट मैचिंग से करना होता है. तो एवरेज कैरेक्टर अगर आपको ध्यान हो तो दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर मोल होगा, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स पर मोल तो इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 63.54 ग्राम ठीक है. इसका ये बन जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1 अपॉन 63.54 मल्टीप्लाइड बाय 8.92 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. मैच करते हैं आंसर, देखो मैच हो गया ना 8.4345 इंटू 10 टू पावर 22, मतलब ये मैचिंग से भी आते कभी कभी, ऐसे ऐसे गेट वाला पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी मतलब एक नंबर के सवाल में एक्चुअली ट्राई टू टेस्ट कि हाँ बच्चा कितना मैच कर पा रहा है अपने यूनिट्स को भी. प्रेजेंस ऑफ माइंड दे यूज्ड टू चेक, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन हो जाएगा. एवोगैड्रो नंबर, हाँ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ही होगा, इतना मोल पर ग्राम दे रखा है और इतना ग्राम पर दिस दे रखा है, तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना है, तो यूनिट मैचिंग से आंसर डी आ गया. अज्यूमिंग दैट वी हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग एंटी सेमीकंडक्टर बार जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है पॉजिटिव, एट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन ऊपर या जनरेटेड एक्स इक्वल्स टू जीरो बाय लाइट पल्स, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं. एट टी इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड कितना मूव किया 0.5 सेंटीमीटर, और ये 1 माइक्रोसेकंड मूव किया, ठीक है. तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले जनरेट हो रहे थे, अब वो ट्रेवल करके 1 माइक्रोसेकंड में यहाँ पहुंच गए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या निकालना है, मोबिलिटी निकालना है, डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट हो गया. तो अब देखो भैया क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी देखो कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी मोबिलिटी इनटू दिस 1000, ये 500 आ गई मोबिलिटी, मोबिलिटी 500 आ गई, तो डी में क्या है, डी इज इक्वल टू म्यू इनटू वीटी. 25 मिली वोल्ट 26 मिली वोल्ट ले लो 13, ठीक है ना, तो ये हो गया. और उसके बाद 33, 34, 50 के और 100 के चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड इन दिस,
Which of the following the reason is true? बहुत कम है ना, तो इसमें क्या होता है इम्प्योरिटी एक्सट्रिंसिक है ये, तो ऑब्वियसली भी वो होगा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन और क्या इम्प्योरिटी आयनाइजेशन एक्सट्रिंसिक है ना, तो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन होना होगा। फिर से आ गया 35 एटम्स पर मोल है और ग्राम्स पर मोल निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स इन दिस। अच्छा क्या फर्जी सवाल है, वी यूनिट मैचिंग, दिस मच एटम्स पर मोल, एक मोल में कितने ग्राम 72.6 और एक ग्राम में कितना वो, ठीक है दिस मच पर दिस, तो एक सेंटीमीटर में इतने एक ग्राम आ रहे हैं। सेम एक्सेप्ट मेटल वन, इसका मटेरियल वन है उसका बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मटेरियल टू का है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ni स्क्वायर का रेशियो पूछा, देखो गड़बड़ मत करना, Ni स्क्वायर का रेशियो मटेरियल 2:1 तो e टू पावर माइनस Eg2 अपॉन KT वन अपॉन KT बाहर ले लीजिए, तो बस हो गया सॉल्व। के टी की वैल्यू अपने को पता ही है कब निकालना है, एट जीरो केल्विन निकालना है, कहाँ निकालना है, रूम टेम्परेचर भी निकालना है, यहाँ पे थोड़ा एडिशन कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा एट रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली। सो ई टू पावर माइनस 1.21 डिवाइडेड बाय 0.026 परफेक्ट 0.01454 डी, यही मेंशन करना पड़ेगा ना, मैं मेंशन करता हूँ 37 37 ये है हमारे लिए, ठीक है दिस इज 37। द करंट डेंसिटी ऑफ एन टाइप जर्मेनियम इज दिस मच, रेजिस्टिविटी दिस मच, इज द मोबिलिटी दिस, इज वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी करंट डेंसिटी दे रखा है जे, रेजिस्टिविटी दे रखा है, तो कंडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मोबिलिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए तो काम होता है हमारा, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से आ जाएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ही होता है, अरे यार तुम भी जे इक्वल टू सिग्मा ही होता है, तो जे इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से हमारा 50 वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है। और ये आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी मोबिलिटी इज 0.4 इनटू 50 20 38 करंट डेंसिटी इन द सैंपल ऑफ जर्मेनियम हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दिस मच है, डिफ्यूजन करंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दे रखा है, ग्रेडियंट दे रखा है
डिफरेंट कॉन्स्टेंट दे रखा था, क्यों उसमें डिवाइड कर दो करंट डेंसिटी क्या है, क्यू डी एन, डी एन कितना है 0.0012 इनटू कॉन्सेंट्रेशन 1.5 × 10²² कितना गया 2.88 है, सिंपल है, क्यू से मल्टीप्लाई करो, डी एन दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है, तीनों के 2.88 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर 39 current in a forward bias P plus N diode entirely due to the diffusion of the holes from the P to N over the distance of this one. The incremental change in the hole concentration on N side is, okay, the current density in the hole assuming the diffusion coefficient of this is this much. Actually, the current in the forward bias is entirely due to diffusion of the holes from P to N over the distance. The incremental change in the hole concentration on the N side, so P0 de rakha apne ko, the current density in the diffusion coefficient of hole de rakha. ये क्या दे रखा है, डिफ्यूजन लेंथ दे रखी है क्या, ड्यू टू डिफ्यूजन फ्रॉम दिस टू दिस डिफ्यूजन लेंथ दे रखी है मेरे ख्याल से. अच्छा करंट होता क्या है, देखो करंट क्या होता है, करंट नहीं करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, करंट डेंसिटी पूछ रहा है तो क्यू इंटू वो जो फॉर्मूला होता था याद करो थोड़ा, क्यू इंटू एन आई स्क्वायर बाई एन ए एन डी सॉरी इंटू पावर बी अप्लाइड अपॉन बी टी माइनस वन वगैरह छोड़ो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, dp अपॉन lp ये आता था. अब अपने को ये दे रखा है कि हमें कितना चेंज हुआ, कितने आए, कितने आए, ये दे रखा है अपने को जो एक्सेस वाले, तो देखते हैं उसी को यूज कर लेते हैं, मुझे लगता है और कुछ है ही नहीं, क्या करें, ये डिफ्यूजन लेंथ ही होगा और कुछ लग नहीं रहा, डिफ्यूजन लेंथ 12 है और ये 10⁻³192 mA यही था, और कुछ हो नहीं सकता, और कुछ दे नहीं सकता, वो डिफ्यूजन लेंथ ही दे रखी 1.92 आ जाएगा इसका आंसर 3940. सिलिकॉन सैंपल इज ड्रॉप विद दिस मच फास्फोरस, द अप्लाइड करंट इज दिस मच, टाइम ड्यू फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस मच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉल वोल्टेज. अच्छा क्या दे रखा है, दो पिन दे रखी है, अप्लाइड करंट दे रखा है. अच्छा जी भैया देखो हम तो यहीं से शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला अपने को याद नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएच इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी आएगा वेलोसिटी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी अपॉन क्यू चार्ज डेंसिटी, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, अब वीएच अगर मैं निकालूंगा तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे इस नीचे से विड्थ बचेगी, थिकनेस, चलो निकालो खत्म करो, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमें याद नहीं होता फॉर्मूला, बी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁵ इंटू डोपिंग, ये दे रखी ना 10⁻⁷ इंटू विड्थ
कितना 100 माइक्रोमीटर था, कोई मीटर में सेंटीमीटर में, बढ़िया 62.5 माइक्रो वोल्ट। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पूछा, देखो क्या साइन के साथ मत डाल देना आंसर, मैग्नीट्यूड पूछा है 62.5 माइक्रो वोल्ट। चलिए धन्यवाद, हो गया सॉल्व, थैंक यू।